हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड हैकर्स में। तो तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं 1 स्टार से 2 स्टार तक का सफर। तो पिछली वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड और इनपुट आउटपुट किया था, और इस वीडियो में हमें चाहिए 30.2 स्टार तक पहुंचने के लिए। तो वो हमें मिल जाएंगे इन पहले 3 प्रॉब्लम से। ठीक है, तो हम अपना पहले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये खुल गया है। तो इनपुट में हमें क्या करना है, हमें इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल, इनको हमने इनपुट करवाना है सिन की मदद से, जैसे हमें पता है, और फिर इनको आउटपुट करवाना है, और साथ ही में एक न्यू लाइन करनी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने बताया हुआ है। पहले आपने इनपुट करवाने हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। आउटपुट में आपको पहले 3 आएगा, फिर न्यू लाइन, मतलब एंडल का यूज़ करें अगर हम सिंपली देखा जाए तो। अब हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले मुझे क्या क्या चाहिए, इंट, लॉन्ग, कैर, डबल। तो इसको मैं डाल दूंगा कमेंट में, इसको डाल देते हैं हम कमेंट में। उसके बाद इन सबको हमें सिंपली सबसे पहले डिक्लेयर करना है। इंट हम मान लेते हैं ए, ठीक है। लॉन्ग में मान लेते हैं बी, कैर में मान लेते हैं सी, फ्लोट में मान लेते हैं डी, और डबल में मान लेते हैं ई। अब इन सबको सिन करवाना है हमने, ठीक है। सिन करवा देंगे ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं चाहिए यार, बस ई तक। तो ई तक हमने सिन करवा दिया। अब दूसरा काम क्या हमारा, सी आउट करवाना है न्यू लाइन के साथ। तो देखिए, इसमें आप ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा। तो जो हमारे पहले 3 है उसमें तो सिंपल सी आउट होगा। सी आउट करेंगे हम ए, फिर हमें चाहिए न्यू लाइन, उसके बाद बी, उसके बाद चाहिए हमें न्यू लाइन, उसके बाद सी। लेकिन देख, गलती कभी कभी क्या करता है कोई, यहाँ पे इसका हैंडल नहीं लगाता है, तो इसको यूज़ कर लेना। उसके बाद देखना ध्यान से, जब हमें फ्लोट चाहिए, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम सेट प्रिसीजन का यूज़ करते हैं जिसके आगे फिक्स लगता है। तो हम पहले फिक्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेट प्रिसीजन, सेट प्रिसीजन कितना चाहिए हमको, हमको चाहिए भाई 3 का प्रिसीजन, चाहिए हमको 3 का। उसके बाद कर दो जो भी आपका था, मैं हमारा था डी, फिर हमें क्या चाहिए एंडल, ठीक है ब्रो। उसके बाद हम करेंगे सी आउट, इसे डबल है, डबल में 9 का प्रिसीजन चाहिए होता है, तो फिर से वो यूज़ करेंगे फिक्स्ड सेट प्रिसीजन का 9 का चाहिए इसको, हाँ। उसके बाद कर देंगे क्या प्रिंट कराना है, ई, फिर कर लेंगे एंडल, हमारा हो गया सी आउट का काम खत्म। अब रिटर्न 0, चलो तो ये हो गया हमारा इसका काम। अब हम कराएंगे रन, चल भाई हो जा रन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रन हो गया है, वो एकदम सारा ठीक है। तो सबमिट करेंगे अब हम, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्या करवाना है हमने, एक सिंगल इंटीजर एंड इनपुट करवाना है, फिर आउटपुट क्या करवाना है कि 1 से लेकर 9 के बीच में, तो उनका लोअर केस इंग्लिश लेटर प्रिंट करवा दो, नहीं तो प्रिंट करवा दो ग्रेटर देन 9 है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो भाई ये मेरे को करके क्यों दे देता है। चलो देखो, पहला तरीका तो आपका सिंपल वाला है जो सब लोग ट्राई करते हैं, हर एक बंदा यही करेगा, मैक्सिमम यही करेगा कि वो इफ का लूप लगा लेगा। ओ सॉरी, इफ का लूप बोल रहा हूँ, मतलब वो इफ में कंडीशन चेक करता जाएगा, अगर वो 1 होगा तो 1 प्रिंट करेगा, अगर 2 होगा तो 2 प्रिंट, ऐसे ही मतलब करते करते रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब ये एक टॉपिक होता है स्ट्रिंग नाम का, अगर हम उस बेसिस पे इसको इस क्वेश्चन को करेंगे तो यार इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, इतना कौन लिखेगा यार, मैं तो नहीं लिखने वाला इतना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है भाई, तू चल यहाँ से बाहर। तो यहाँ मैं अपना कोड लिखूंगा, पहले मैं जूम कर लेता हूँ,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग ले लूँगा, स्ट्रिंग ले लूँगा मैं नम नाम की, जिसमें मैं 10 इंडेक्स ले लूँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैं पहले इंडेक्स में डालने वाला हूँ ग्रेटर देन 9, फिर दूसरे इंडेक्स में डालने वाला हूँ 1, तीसरे में डालने वाला हूँ 2, चौथे तीसरे में हाँ चौथे में डालने वाला हूँ 3, फिर चौथे में डालने वाला हूँ 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, जीएसटी 8, क्या हुआ इधर को, कितने मिले, उसके बाद लास्ट लास्ट में डालेंगे हम 9। ठीक है, इसको बंद करें। उसके बाद क्या करेंगे हम बोलेंगे कि अगर जो हमारा एन है, जो हमने ऊपर लिया है, वो ग्रेटर देन 9 है, तो क्या करो, सी आउट करो जो हमारा नम है उसका 0 इंडेक्स। अभी बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। एल्स करो, एल्स सी आउट करो जो हमारा नम है उसका जो भी एन नंबर है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अगर जो उसने एन इनपुट करवाया है वो 9 से बड़ा है हमारा, तो क्या करो, सी आउट करो जो नम का 0 इंडेक्स है। मतलब जब भी वो कोई भी ऐसा नंबर डालेगा जो 9 से बड़ा होगा, तो हमेशा उसको ये शो होगा कि ग्रेटर देन 9 है, क्योंकि मैं जो हमारा स्ट्रिंग है नम उसका 0 इंडेक्स प्रिंट करवाऊंगा। लेकिन अगर वो कोई 1 से लेकर 9 तक का डिजिट डालता है, तो उसको नम जो मेरा स्ट्रिंग है उसका वही इंडेक्स दे दो। जैसे अगर वो 1 प्रिंट कराता है तो उसे नम का वही इंडेक्स दे दो, अगर वो 2 प्रिंट करवाता है तो उसको नम का 2 इंडेक्स दे दो, वो क्या है 2। वैसे अगर वो 3 प्रिंट करवाता है तो नम का 3 3 दे दो। अरे मतलब वैसे सिंपल करना क्या, हमने हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर वो कोई भी ऐसा नंबर डालता है जो 9 से बड़ा है तो उसको नम का 0 इंडेक्स दे दो। नहीं तो मैंने इन इंडेक्सेस जो हैं उसको इस तरह से रखा है कि जब भी वो कोई नंबर डाले 1 से 9 का, तो उसके हिसाब से वो उसको उसका इंग्लिश लेटर दे दे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। आप चाहो तो वो आप इफ एल्स वाला बड़ा वाला जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो वो भी लगा सकते हो उसमें, लेकिन लिखना बहुत पड़ेगा यार, अपनी मर्जी है, मैं नहीं बोलता। करना है तो करो, सही है यार, लिखोगे इतना अपनी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं जाता उसमें। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें सीखोगे ना अगर, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना उसमें आपको कोड कम करना पड़ेगा। मतलब जो हमारे कॉम्पिटेटिव चीज़ें होती हैं उसमें जितना छोटा कोड होगा, जितनी जल्दी आपका सबमिशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हम इसको करते हैं रन। तो ये हमारा रन हो गया, देखिए ठीक है ये, तो हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आखिरी चैलेंज है वो है फॉर लूप। तो इसमें क्या है, इसमें इसने बोला है यू विल बी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दे दिया हमें। उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो 1 से 9 के बीच में होगा तो कर दो प्रिंट उसका इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन, और अगर वो 9 से बड़ा है और अगर इवन नंबर है तो प्रिंट इवन करना, और अगर 9 से बड़ा है और अगर ऑड है तो ऑड करना। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है ये यार, इसने पहले से बना के दे दिया। कोई बात नहीं, इसी से समझा देता हूँ आपको। तो पहले ये बोलता है कि भाई मैंने दो नंबर डिक्लेयर कर दिए ए और बी। सेकेंड लाइन में क्या करता है कि उन्हीं दो नंबर को ये इनपुट करवा देता है। फिर ये लूप चलाता है, ये बोलता है कि मान लो मैंने ले लिए 8 से 11, 8 से 11 दिया था ना इसने, इसने दिया था हाँ 8 से 11 दिया, ठीक है। मान लो इसने लिया ए 8 और बी 11, तो एंड इसने एक लूप चलाया 8 से 11 तक का, ठीक है। तो अब जब पहली कंडीशन इसने लगाई उसमें इसने बोला कि अगर जो नंबर है वो 9 से कम है और 0 से बड़ा है, तो जो भी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई करेगा वो प्रिंट करवा लो। तो जैसे एन क्या है इसमें 8 है, तो 8 9 से कम है तो सबसे पहले क्या प्रिंट करवा देगा 8, और उसके बाद क्या करेगा ये एंड लाइन करेगा। फिर जब फॉर लूप फिर से चलेगा तो फिर 9 आ जाएगा, तो अगली बार प्रिंट क्या हो जाएगा 9। फिर ये जब 10 होगा ना तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर चलेगी हमारी ये वाली कंडीशन, क्योंकि जो 10 है एक तो वो 9 से बड़ा है और वो डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। फिर जब अगली वाली 11 आएगा तो फिर उसमें क्या होगा, 11 9 से बड़ा है और वो डिवाइड नहीं होता है 2 से। तो ये सिंपल था प्रोग्राम एकदम, तो ऐसे ही होगा। फिर रिटर्न 0 लगा लियो अपना, तो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम था ये। तो इसको मैं रन करवा के दिखाता हूँ।
तो ये हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखिए रन कर गया हमारा, सबमिट करते हैं अब हम। देखिए हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और हम एक 2 स्टार कोडर बन गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। तो चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसने दे दिया जो कोड को समझो, दे दिया ठीक है, लेकिन हमें चीज़ों को समझना है क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें क्या आपका कोड हो नहीं हो। तो चीज़ों को समझोगे तो इन जो स्टार्स आपको मिल रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी होगी। तो देखिए आपके लिए अभी वो इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ऊपर से वो क्या कहते हैं, एक बीच में आपका बैज होगा और बहुत सारे वो जो पार्टी पम्पर्स टाइप होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे। देखिए मजा आया। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि क्या करूं, मैं पहले सारा जो कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक है सी प्लस प्लस का वो कवर कर लूंगा जल्दी से वी एस कोड की मदद से। उसके बाद हम जल्दी से हैकर रैंक की क्या कहते हैं उसको 2 से 3 स्टार की सीरीज जल्दी से लाऊंगा। उससे पहले आपके लिए एक बहुत अच्छे पैटर्न्स लाऊंगा जो आपने कुछ कुछ किए होंगे और बहुत सारे तो नहीं किए होंगे क्योंकि कुछ कुछ तो मैं खुद बना के लेके आऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और कुछ भी सीखते हो मेरी वीडियो से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाते रहूंगा। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.